हेलो एवरीवन, चलिए आज बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ साइंस के चैप्टर 14 की। चैप्टर का नाम है जल यानी वाटर। चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, मतलब अगर परसेंटेज में हम जाते हैं तो लगभग 70% जो धरती का भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। और यही कारण है कि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी जो धरती है वो नीली नज़र आती है, और इसीलिए धरती को नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। तो बात ये है कि जब इतना ज़्यादा पानी है धरती पर तो फिर दिक्कत क्या है, तब हम क्यों कहते हैं कि पानी की कमी होती जा रही है, उसका रीज़न क्या है? देखिए, उसका मेन रीज़न ये है कि भले ही धरती का 70% भाग पानी से घिरा हुआ है या उस पर पानी है महासागरों सागरों या अदर वाटर बॉडीज़ के रूप में, लेकिन जो यूज़ेबल वाटर है, मतलब जिसका यूज़ किया जा सकता है, वो केवल 3% है। और उस 3% में भी हमारी पहुंच तक, जहां पर हम पहुंच सकें, जिसे हम यूज़ कर पाएँ, वो केवल 1% है। तो भले ही धरती का 70% भाग पानी हो, लेकिन हमारे लिए वो 1% ही है, 1% ही है। ठीक है, आइए आज इसी मुद्दे पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं, जैसा कि जो चीज़ें दी हुई हैं इसमें बुक में। समुद्रों यानी सीस और महासागरों यानी ओशंस के जल में बहुत से लवण यानी सॉल्ट घुले होते हैं, जिससे उनका जल खारा होता है, सलाइन वाटर। यानी महासागर और सागर को जो आप देखेंगे तो समझ में आएगा इतना सारा पानी है तो फिर दिक्कत क्या है। तो बात यही है कि वो पानी है तो कैसा है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट घुले रहते हैं, बहुत सारे लवण घुले रहते हैं, जिसके कारण वो पानी एडिबल नहीं होता, ड्रिंकेबल नहीं होता, पीने लायक नहीं होता, यूज़ के लायक नहीं होता, अदर यूसेस के लायक नहीं होता, क्योंकि वो सलाइन वाटर होता है, उसमें वो खारा पानी होता है। इसलिए यह दैनिक आवश्यकताओं, अब दैनिक आवश्यकताओं में क्या चीज़ें आ सकती हैं, पीना, घरेलू कार्य, कृषि, उद्योगों के लिए, तो इन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित नहीं है, मतलब एप्रोप्रिएट नहीं है वो हमारे लिए कि हम उसका यूज़ कर सकें अपने डेली एक्टिविटीज़ में, जहाँ पर हमें पानी या जल की आवश्यकता होती है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो सीज और ओशन से एकदम बेकार हैं, जी नहीं, वो भूमिका निभाते हैं, कुछ ना कुछ भूमिका है। वो भूमिका क्या है उसी को समझना है आज। वो हमें वाटर सप्लाई करते हैं, इसके लिए जल चक्र की भूमिका अहम होती है, जल चक्र यानी वाटर साइकिल। तो हमें वाटर साइकिल को समझना होगा अगर हम ये समझना चाहें कि इन सागर या महासागर का क्या रोल होता है हमें हमारी आवश्यकता के हिसाब से पानी उपलब्ध कराने में। तो जल चक्र को समझने से पहले कुछ और चीज़ें हमें समझनी होंगी, और उन सब चीज़ों को मिला करके जल चक्र का निर्माण होता है। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी जल हो, जब वो गर्म करेंगे आप, या जब वो गर्म होगा, जब उसको ज़्यादा तापमान मिलेगा और जब वो गर्म होगा तो उबलने के बाद क्या करता है पानी, वाष्प यानी भाप, वाटर वेपर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब पानी प्योर हो, इम्प्योर हो, खारा पानी हो, कैसा भी पानी हो, जब उसमें इवेपोरेशन होगा, जब वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, तो वाष्प के रूप में केवल H2O यानी वो पानी वाला हिस्सा ही वाष्प में बदलता है। लवण जो होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ घुली होती हैं उसमें, वो ज़मीन पर ही रह जाती हैं, क्योंकि जो जलवाष्प हैं या जो वेपर हैं वो अपने साथ
लवणों यानी सॉल्ट्स का वहन नहीं करते, वो उसको कैरी नहीं करते अपने साथ। महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन यानी इवेपोरेशन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि कैसे हम नमक का निर्माण कैसे करते हैं, महासागरों या सागरों के पानी से नमक बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, तो उसके किनारे पर कुछ गड्ढे बना दिए जाते हैं, समुद्र के किनारे कुछ पिट्स खोद दिए जाते हैं। जब ज्वार भाटा आता है समुद्रों में तो वो पानी जो है समुद्र का वहाँ उन गड्ढों तक पहुँच जाता है। जब वो वापस पानी जाता है तो कुछ पानी गड्ढों में रह जाता है, और उसके बाद जब उसका वाष्पीकरण हो जाता है, उस गड्ढे में जो इस पानी है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेशन होता है, तो जो पानी है वो उड़ जाता है जलवाष्प के रूप में, और जो नमक है वो उन गड्ढों में रह जाता है। तो इस तरह से भी मतलब जो वाष्पीकरण है या जो वाष्पन है, इवेपोरेशन का जो प्रक्रम है, उसका जो प्रोसेस है, उससे भी जो है जल, एडिबल जल, जो ड्रिंकेबल वाटर है वो मिलता है, लेकिन बहुत एक लंबी प्रक्रिया के बाद। देखेंगे हम कैसे, यहाँ पर यह समझा कि कैसे हम समुद्री जल से उसका वाष्पीकरण करा करके गड्ढों के थ्रू हम कैसे नमक की प्राप्ति करते हैं। दिन के समय सूर्य की किरणें, सनरेज सनलाइट, महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। मतलब जितने भी वाटर सोर्सेस अवेलेबल हैं धरती पर, जब सूर्य उदय होता है और उसका प्रकाश जब पड़ता है इन पर, इन वाटर सोर्सेस पर, जल के स्रोतों पर, खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होते रहता है। तो जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, कोई ज़मीन है, खेत है, जहाँ पर भी पानी अवेलेबल है, उसका वाष्पीकरण होते रहता है, वाष्पन होते रहता है, इवेपोरेशन वाला प्रोसेस जो है वो चलता रहता है सूर्य की किरणों से तापमान अधिक होने पर। तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। यहाँ पर भी वही बात होती है कि जल का वाष्पीकरण होता है, लेकिन जो लवण होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, वो रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं, उनका वाष्पीकरण नहीं होता, तो वो ज़मीन पर रह जाते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस हुआ कि कैसे वाटर बॉडीज़ यानी वाटर सोर्सेज से कैसे इवेपोरेशन होता है, और वो इवेपोरेशन अल्टीमेटली जो है वो बादल का निर्माण करता है, फिर वो बारिश होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो हो गया इवेपोरेशन, दूसरा एक प्रोसेस होता है, उसमें भी इवेपोरेशन होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये क्या होता है, सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है, मीन्स एवरी प्लांट नीड्स वाटर फॉर देयर ग्रोथ। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग, तो जो पानी लेते हैं पौधे क्या करते हैं, वो उसकी कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में यानी फोटोसिंथेसिस में कुछ पानी का वो यूज़ कर लेते हैं, कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं, और कुछ पानी अपने शरीर के विभिन्न भागों में वो पौधे सुरक्षित रख लेते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग, उसके बाद भी थोड़ा पानी बच जाता है, तो क्या करते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा यानी ट्रांसपिरेशन द्वारा। ये ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, उनमें टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, हिंदी में पर्णरंध्र बोला जाता है। उन्हीं जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उन्हीं से पानी जो है वो उसका उत्सर्जन होने लगता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो देखिए, ये देखिए प्रकृति क्या सिखाती है हमें, हमारी ज़रूरत से जो ज़्यादा चीज़ है वो हमें बटोर कर नहीं रखना चाहिए, वो हमें छोड़ देना चाहिए जहाँ से हमने उसे लिया हुआ है। देखिए पौधे कितना अच्छा एग्जांपल है।
तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, जो शेष भाग है उनके यूज से ज़्यादा जो पानी है उसको वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपने स्टोमेटा, अपने पर्ण रंध्र से जो है वो उसको बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। तो वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। तो इस तरह से अगर वायु में बात करें कि कैसे जल पहुंचता है, तो एक तो होता है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, अल्टीमेटली उसमें भी इवेपोरेशन होता है, तो ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, और उसके बाद वही जो वाटर वेपर बनी होती है, जो वाष्प बना होता है, जल वाष्प बना होता है, वो जब ठंडा हो जाता है तो उसको बोलते हैं वो संघनन हो रहा है, वहाँ पर कंडेंसेशन होता है। इन प्रोसेस के थ्रू जो है वायु में जल पहुंचता है, और जब ये पहुंचता है तो फिर क्या करता है, बादलों का निर्माण करता है। कैसे? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब लैंड सरफेस, से ऊपर उठते जाते हैं, ताप कम होता जाता है। अब यहाँ पर लॉजिक ये मत लगाइएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऊपर जाएंगे तो सूरज नज़दीक आएगा तो ताप बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। जी, सूर्य काफ़ी दूर है हमसे, नॉर्मल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। धरती से ऊपर जैसे हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है, तो जो जल वाष्प के रूप में जो वाटर वेपर जो ऊपर जा रहा है वो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद क्या होता है, ठंडा होने लगता है। और जब जल वाष्प ठंडा होगा तो उसका संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, वो वाष्प ठंडी होकर के क्या हो जाएगी, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित यानी कंडेंस्ड होकर जल कणिका, वाटर ड्रॉपलेट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये होता है, वाष्प को अगर आप ठंडा करेंगे तो आप इवन इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, जब आप पानी उबाल रहे होते हैं तो अगर किसी चीज़ से ढके हैं उसको, तो देखिएगा कि जब पानी उबलने लगता है, वाष्प बनने लगती है, तो उसके बाद तो कुछ तो वो बाहर निकल पाता है, लेकिन अगर ढका हुआ है तो क्या करता है, उसका जो कवर है जिससे आपने उसको ढका है उसके निचले पैंदी पर जो है वो उसको अगर आप उठा कर उतार करके नीचे रखते हैं तो देखते हैं कुछ देर के बाद उस पर जल की कुछ बूंदें नज़र आती हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल स्वच्छ पानी होता है, क्योंकि वो वही भाप होती है जो थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो वो ठंडी होकर के वो जल की बूंदों के रूप में हमें नज़र आने लगती है। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब वो जलवाष्प ठंडा होता है तो क्या होता है, उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल कणिका में परिवर्तित हो जाती है। जल कणिका यानी वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी, काफी छोटी छोटी बूंदें होती हैं ये। यही वायु में तैरती छोटी जल कणिकाएं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। तो वो जो जिसे हम बादल यानी क्लाउड्स कहते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, वो उन छोटी जल कणिकाओं का समूह ही होता है, उन वाटर ड्रॉपलेट्स, कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ में रहती हैं। ऐसे बहुत से ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की यानी एक लार्ज साइज की जल की बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुल जल की बूंदें, कुल नहीं कुछ होगा यहाँ पर, इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा यानी रेन कहते हैं। तो इस तरह से बादल का निर्माण होता है वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन की सहायता से, और अल्टीमेटली जो छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक साथ मिलकर के भारी होने लगते हैं, और कुछ इतने भारी होने लगते हैं कि वो फिर जमीन पर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो वही जो उनका गिरना शुरू होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, उसी को ही हम वर्षा यानी रेन का नाम देते हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा यानी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं, और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। तो देखिए, यही है वाटर साइकिल, यही है जल चक्र। कैसे एक चक्र बार बार, साइकिल क्यों बोलते हैं उसको हम, क्योंकि वो चीज़ बार बार हो रही होती है। अगर चक्र को ऐसे समझना है तो हम जिंदगी के चक्र को भी समझ सकते हैं कि कैसे
एक इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ करता है। वो एक छोटा बच्चा होता है, उसको शिक्षा दीक्षा लेनी होती है, फिर शादी ब्याह है तो फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उनके साथ वही चीज़ होती है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनका शादी ब्याह है, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है। उसी तरह से ये वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल में क्या होता है, जो है जल का वायुमंडल में जाना, वायुमंडल से वापस धरती पर आना, वायुमंडल में जाना, वापस धरती पर आना, तो ये चक्र है, एक साइकिल है, इसी को हम जल चक्र बोलते हैं। तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा वो वायु में तो चला जाता है लेकिन फिर वापस भी आ जाता है संघनन जब होता है। तो वर्षा, ओले और हिम, वर्षा यानी रेन, ओले यानी हेल, और हिम यानी स्नो के रूप में वापस आता है। अब बात यह है कि वर्षा तो समझ में आती है, ये ओले कब गिरने लगते हैं, हिम कब गिरने लगता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लो होता है तो ओले पड़ते हैं, और ज़्यादा लो हो जाता है तब हिम पड़ते हैं, स्नो, ठीक है। तो वही बर्फबारी होती है या हिमपात होता है ना। तो इसको एकदम एक जैसा मत समझें, जो ओले होते हैं उनकी साइज़ बड़ी होती है, जो हिम होता है उसकी साइज़ छोटी होती है, वो ज़्यादा एक साथ गिर रहा होता है। प्रायः सभी भूपृष्ठ यानी लैंड सर्फेसेस महासागरों के तल से ऊंचे हैं। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जानिए इसको। जितने भी ज़मीन पर भाग है, जो लैंड सर्फेस है, ज़्यादातर वो ओशंस के तल से ऊंचे हैं। यानी ओशंस क्या है, गहरे होते हैं, नीचे होते हैं, उनका जो तल होता है वो नीचे होता है। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में रखने वाली बात है कि ज़्यादातर जो बारिश होती है, ऑब्वियस है कि ज़्यादा पानी जो बरसता है वो इन महासागरों सागरों से ही वो जलवाष्प बनकर के ऊपर जाता होगा। लेकिन अब बात यह है कि उस पानी को हम बचा सकते हैं अपने प्रयोग के लिए, लेकिन हम उसको अगर छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो वापस नदी नालों के थ्रू होते हुए वो अल्टीमेटली जो है वो पहुंच जाता है फिर से महासागर के पास। तो क्या, तो हमने अपने यूज़ के लिए पानी कहाँ कलेक्ट किया, वो समझना ज़रूरी है कि कैसे हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम कैसे पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, अपने यूज़ के पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम पानी को ऐसे ही बहने देंगे तो उससे क्या होगा, आगे हम पढ़ेंगे भौम जल के बारे में, ग्राउंड वाटर के बारे में, उसका स्तर बढ़ नहीं पाता है। अगर पानी को हम ऐसे ही बहता हुआ छोड़ देते हैं तो उसको हमें कलेक्ट करके एक जगह रोकना होता है, सो दैट वहाँ के थ्रू उसमें रिसाव हो धीरे धीरे ज़मीन में, भूमि में, मिट्टी में, और वो रिसाव के थ्रू वो पानी ज़मीन के भीतर जाए, जिससे कि ग्राउंड वाटर यानी जो भौम जल है उसका स्तर बढ़े। देखिए आ ही गया वो पॉइंट। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त होता हुआ प्रतीत होता है। तो जमीन, उसको जमीन में सीपिंग होती है, वो रिस करके पानी नीचे जाता है। इस जल का कुछ भाग इवेपोरेशन तथा ट्रांसपिरेशन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। ये भी होता है, पानी कहीं भी गिरेगा तो फिर से तो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन वगैरह के थ्रू वो वापस तो जाना ही है उसको, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो वो हमेशा मिलता ही रहता है, बारिश हो रही होती है उसके बाद भी। तो कुछ तो ऐसा है कि वायु में वापस चला जाता है, कुछ पानी ऐसा होता है जो धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल यानी ग्राउंड वाटर के रूप में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अब यही समझने वाली बात है कि हम उसको कितना रोक पा रहे हैं कि हम ग्राउंड वाटर का लेवल या वाटर टेबल हम बढ़ा पाएं, ठीक है। कुओं का भरण यानी जो कुएं में पानी आ जाता है, जब आप देखते हैं ज़्यादा बारिश होने लगती है तो जो कुएं खोदे हुए रहते हैं, हालांकि अब तो कुओं की संख्या भी कम होती जा रही है, तो जो कुएं होते हैं उनमें आप देखते हैं ज़्यादा बारिश हो जाती है तो अपने आप वो पानी चला आता है। तो ऐसा थोड़ी कि वो पानी ऊपर से बह करके कुएं के भीतर जाता है, वो पानी रिस करके ज़मीन के पानी का जो लेवल बढ़ाता है, तब वो कुओं में पानी हमको नज़र आने लगता है, उससे ये पता चलता है कि ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा है, ठीक है। कुओं का भरण, कुछ झीलों, हैंडपम्प या नलकूप के जल का स्रोत भौम जल ही है। अब यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है कि जो हैंडपम्प, नलकूप, अब देखिए इसमें ये है कि भौम जल का खूब दोहन हो रहा है, खूब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ग्राउंड वाटर का। क्यों, पहले क्या होता था, ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते थे, कुछ लोगों के पास अपने जो है मशीन होती थी सिंचाई वगैरह के लिए। अब
ज़्यादातर लोगों ने जो है बोरिंग करा ली है, और यहाँ तक कि पर्सनल यूसेस के लिए भी सबमर्सिबल वगैरह लगा लिए जाते हैं। हर घर में आपको सबमर्सिबल मिलेगा। तो जब हर घर में सबमर्सिबल लगेगा, हर घर को पानी मिलेगा, तो क्या करेगा जब आदमी उसकी वैल्यू को नहीं समझेगा तो अपने मन का पानी का यूज़ करेगा और खूब यूज़ करेगा। और होता ही है, पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, पानी जो है भर गया है, गिर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ऐसा करके हम केवल अपने यहाँ का पानी नहीं, हम पूरे धरती के पानी का जो है लेवल कम कर रहे हैं, हम भौमजल ग्राउंड वाटर का लेवल कम कर रहे हैं। हम उसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो समझना ज़रूरी है कि हमारे एक के यूज से कितना फ़र्क पड़ता है पूरी धरती पर। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर, अति उपयोग कैसे करते हैं हम, गहरी खुदाई। देखिए पहले क्या होता था ना कि 60-70 फीट नीचे जाने पर ही पानी मिल जाता था, अब 100 फीट के बाद भी जाने पर पानी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो उसका क्या मतलब है, जो वाटर टेबल है या वाटर लेवल जो है वो उसका स्तर गिरता जा रहा है, इसलिए खुदाई ज़्यादा कर रहे हैं। तो ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं मतलब ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप। तो इससे क्या हो रहा है, अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की क्षति, मतलब लॉस ऑफ वाटर टेबल या लेवल, चिंता का विषय है। देखिए वाटर टेबल बड़ा अच्छा शब्द है, वाटर लेवल तो होता ही है, वाटर टेबल भी यूज़ किया जाता है पानी के स्तर के लिए, जो ज़मीन में हमारे यूज़ के लिए पानी होता है सैचुरेटेड कंडीशन में। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। अब लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली भी बात है, अगर हम वाटर क्राइसिस की बात करें तो अगर ग्लोबल लेवल की कोई प्रॉब्लम है इस समय तो नंबर वन पर तो है मानसून, ये जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है बहुत बहुत बुरी तरीके से जो परिवर्तन हो रहा है, तो नंबर वन समस्या तो वो है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो समस्या आती है वो आती है स्कर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी की समस्या, जल संकट। और कहीं ना कहीं मानसून में जो अनपेक्षित बदलाव हो रहे हैं वो एक बड़ा कारण है जो है पानी की समस्या के भी। जैसे अगर एक चीज़ को समझा जाए, पहले क्या होता था, जो बारिश पहले महीनों में होती थी अब वो बारिश घंटों में होती है। सुनकर के लगेगा अरे अच्छी बात तो है, जी नहीं, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। बारिश का धीरे धीरे होना ज़रूरी है, बारिश का बहुत तेज होना कुछ घंटों में हो जाना सही नहीं है। जब बारिश धीरे धीरे होती है तो वो पानी ज़्यादा ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाता है, वाटर स्ट्रेटा को अप करता है। इसलिए बारिश का रिमझिम बारिश होना ज़रूरी है, मूसलाधार बारिश ज़रूरी नहीं होती बल्कि हानिकारक होती है, हैवी रेन, जिसको कैट्स एंड डॉग्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो अगर बारिश धीरे धीरे होती, महीनों होती, तो उससे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता। अब क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो बारिश महीनों में होती थी अब वो कुछ घंटों में हो जाती है। जब कुछ घंटों में हो जाएगी तो एक बार में ही पानी पानी बहुत पानी हो जाएगा, पानी बहुत एकत्रित हो जाएगा, बाढ़ की समस्या हो जाती है, और पानी ज़्यादातर बह करके फिर से वापस ओशंस और सीज में चला जाता है नदियों के थ्रू। तो मानसून में होने वाले बदलाव बहुत बड़े कारण हैं पानी की समस्या की भी। हाँ, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें चाहे जैसे हों, हम चाहें तो मैनेज करके पानी के लेवल को बढ़ा सकते हैं, पानी के उपयोग को कम करके, उसका अधिक दोहन न करते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए हम उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में, जो जैसा कि कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा जाता है कि जो बारिश का पानी है उसका लगभग 65% भाग जो है वो वापस महासागरों में चला जाता है। अगर हम 5% भी पानी रोक पाएँ तो हम कई हज़ार लीटर, कई करोड़ लीटर पानी जो है हम बचा सकते हैं पूरे वर्ष के यूज़ के लिए। तो ये समझना ज़रूरी है, भारी वर्षा, और जब भारी वर्षा होगी तो और क्या प्रॉब्लम होती है, सीधे सीधे पहले पहली प्रॉब्लम जो होती है वो फ्लड की होती है, बाढ़ की होती है। और बाढ़ कितना नुकसान करती है एवरीबडी नोज़।
भारी वर्षा हैवी रेन से जल स्रोतों यानी सोर्सेज ऑफ वाटर के जल स्तर का बढ़ना बाढ़ का कारण बनता है। जब ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, अचानक से वाटर लेवल अप हो जाएगा। ये देखिए बहुत बड़ी विडंबना होती है। जो मानसून परिवर्तन हो रहा है उसमें बहुत तेज़ी से जो बदलाव आ रहा है उसमें सबसे बुरा क्या होता है कि जब हमें बारिश की ज़रूरत होती है तब बिल्कुल बारिश नहीं होती, जब हमें बारिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती तब खूब बारिश हो जाती है। ये तो बात वही हो गई कि कोई जब भूखे मर रहा है तो उसको आप बिल्कुल खाना नहीं दे रहे हैं, किसी का पेट भरा हुआ है उसको और आप ठूंस करके खिला रहे हैं तो क्या होगा, मरेगा ही ना वो। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब जलस्तर बढ़ जाता है अचानक से तो बाढ़ की समस्या हो जाती है, फ्लड आ जाता है। और फिर हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। फसलें तो बर्बाद हो ही जाती हैं, सड़ जाती हैं, पालतू जानवर कितने बह जाते हैं, मर जाते हैं, और कितनी सारी प्रॉपर्टी का लॉस होता है तथा मानव जीवन, कई लोग भी मारे जाते हैं बाढ़ में, बह जाते हैं। और तो और बाढ़ के समय जलीय जीव जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी बह जाते हैं, जो प्रायः बाढ़ का जल उतरने पर थल भाग में फंस कर मर जाते हैं। भाई जो जलीय जीव हैं अगर वो लैंड सरफेस पर फंस जाएंगे कहीं, जब पानी वापस जाता है, बाढ़ का स्तर कुछ कम होता है, फंस जाएंगे तो उनका मरना तो तय है क्योंकि वो पानी में रहने वाले जीव हैं। तो ये तो एक बात हो गई। देखिए ये एक एक्सट्रीम है, पानी का बहुत ज़्यादा हो जाना। दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है, पानी की बहुत कमी हो जाना। एक तरफ एक्सेस ऑफ वाटर, दूसरी तरफ यूज स्केर्सिटी ऑफ वाटर। तो क्या होगा, तब सूखा पड़ेगा, ड्रॉट आएगा। वो एक फेमस कहावत है ना, ना अति वर्षा, ना अति धूप, ना अति बोलन, ना अति चुप, अति सर्वत्र वर्जयत। अति हर जगह वर्जित की जाती है, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। बहुत बारिश खराब, बहुत कम बारिश खराब। यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा न हो तो मृदा सूख जाती है, जो मिट्टी है वहाँ की वो सूख जाती है। क्यों सूख जाती है, ड्यू टू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन विच स्टिल कंटिन्यूज। क्योंकि ये जो ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन है या जो वाष्पीकरण है, वाष्पन है, ये तो लगातार चलता रहता है बारिश हो या ना हो। तो जब ये लगातार चलता रहेगा तो क्या होगा, वहाँ की मिट्टी सूख जाती है तथा जल स्रोतों का जल स्तर निम्न हो जाता है। झील है, नदी है, सब का पानी लगभग सूख जाता है, कम हो जाता है, कुछ सूख जाते हैं और भौम जल का स्तर भी निम्न हो जाता है, वाटर टेबल भी एकदम नीचे चला जाता है, और जिससे सूखा यानी ड्रॉट की स्थिति उत्पन्न होती है। अच्छा देखिए ना, जब बाढ़ आ रही है तब भी फसल ख़त्म, जब सूखा है तब भी फसल ख़त्म। बाढ़ आ रही है तब भी जानवर मर रहे हैं, सूखा है तब भी जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। क्या होगा, सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। दुर्लभ मतलब विच इज़ हार्ड टू फाइंड, जिसको पाना कठिन हो। न तो खाने के लिए अनाज मिलेगा, न तो पशुओं को चरने के लिए चारा मिलेगा। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा लगभग 70% है, जो कि समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए जल की मात्रा, जैसा कि मैंने पहले बताया, 3% में से महज 1% है, जो कि अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। क्यों अति उपयोग हो रहा है, किस तरह के अति उपयोग हो रहा है? एक तो जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि तो कई, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके लिए एक बहुत बड़ा जो रीज़न है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के साथ जल की मांग बढ़ रही है, सो डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ समझने वाली है, क्या होता क्या है, जनसंख्या
और हमारे जो उपभोग की चीज़ें हैं उनमें किस तरह से कैसा रिलेशन है, कैसे वो इंक्रीजमेंट होता है, कैसे एक वृद्धि होती है, कैसी होनी चाहिए। देखिए, जब जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो वो गुणित अनुपात में आगे बढ़ता है, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी में आगे बढ़ता है। मतलब आज अगर 2 है तो कल 4 होगा, परसों 8 होगा, फिर 16 होगा, 32 होगा, वो गुणा होते हुए आगे बढ़ता है, उस श्रेणी में आगे बढ़ता है, ये बढ़ती है जनसंख्या। लेकिन जो हमारी उपयोग की चीज़ें हैं उनमें अगर हम विकास करने की कोशिश करते हैं तो वो हम देखते हैं उसमें जो है वो समांतर श्रेणी में आगे बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, वो एक कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ेगा। जैसे वो 2, 4, 8, 16, 32 था तो ये होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए जनसंख्या अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, तमाम तरह की जो समस्याएं इस समय पूरा वर्ल्ड जिसको फेस कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ जल की मांग बढ़ रही है, खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। यहाँ तक कि खाने की जो चीज़ बनते हैं, तमाम पैकेट्स वगैरह जो आज दुकानों पर जो अवेलेबल होते हैं खाने की चीज़ें, इवन वो भी मिठाई की दुकानों पर या नाश्ते की दुकान पर जो होता है, पानी का उपयोग तो वो तो होता ही है, बाकी चीज़ें जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें मिलती हैं उसमें भी पानी का बहुत यूज़ किया जाता है। उद्योगों में उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, पानी का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। जान लीजिए कि इस समय जो है लगभग 40% हिस्सा जो है दुनिया का वो पानी के संकट से गुजर रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में भी पानी की बहुत किल्लत है, जबकि हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उन सबों को हमने इतना पॉल्यूट करके रखा हुआ है कि हम उनके पानी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना यानी कलेक्शन और उसका भंडारण यानी स्टोर करने के करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। वाटर की अवेलेबिलिटी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो बारिश के पानी को, रेन वाटर को हमें कंजर्व करना होगा, कलेक्ट करना होगा, स्टोर करना होगा। इस उपाय द्वारा वर्षा के जल को एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। यानी बारिश के पानी को कैसे स्टोर करके फर्दर यूज़ के लिए रखा जाए, फ्यूचर में यूज़ के लिए रखा जाए, ये प्रोसेस कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संग्रहण। इसका एक मेन फार्मूला होता है जिसको मूल मंत्र बोलेंगे, बेसिक आइडिया जो इसके पीछे है वो ये है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके लिए आपको ये चित्र देखना होगा, समझ में आएगा। उससे देखिए कैसे बारिश हो रही है छत पर और पानी वहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, उस पानी को फिर पाइप के थ्रू जो है ले जाया जा रहा है नीचे वाटर टैंक में, और फर्दर अगर हम चाहते हैं कि वाटर टैंक में केवल कलेक्ट ना करें, हम उसको सीधे ज़मीन के भीतर ले जाना चाहते हैं तो आसपास के किसी गड्ढे में भी उस पाइप के द्वारा हम पानी को पहुँचा सकते हैं। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत पर वर्षा जल संग्रहण। देखिए क्या होता है, इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक यानी जो स्टोरेज टैंक होता है उसमें पाइपों द्वारा पहुंचा दिया जाता है। पानी इकट्ठा किया जाता है पहले छत पर, उसके बाद उसको पाइप के द्वारा पहुंचा दिया जाता है स्टोरेज टैंक में। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, ऑब्वियस है छत पर मिट्टी के कण तो हो सकते हैं, तो उस पानी में घुल जाएंगे, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना यानी फिल्टर करना ज़रूरी हो जाता है। इस जल को स्टोरेज टैंक में एकत्रित करने के अलावा सीधे ही पाइपों द्वारा ज़मीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसको अगर हम चाहें कि वाटर लेवल बढ़ाने में यूज़ करें उसका, तो हम सीधे गड्ढे में भेज सकते हैं पाइप के थ्रू, जहाँ से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा, जिससे वाटर टेबल हम बढ़ा सकते हैं ग्राउंड वाटर का। अच्छा, एक RO यूज़ किया जाता है आजकल शुद्ध पानी पीने के लिए, आप जानते हैं क्या है वो फिल्ट्रेशन जो होता है, RO बोला जाता है। RO एक प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, उसमें हम पानी को शुद्ध करके पीने के लायक बनाते हैं। ठीक है,
एक दूसरा विकल्प यह है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए, ये भी है, पूरा बह न जाए। उन नालियों के द्वारा हम ऐसी व्यवस्था करें कि वो ज़मीन जो है पानी को सोख सके, नालियों से होता हुआ पानी वो किसी गड्ढे की तरफ जाए जहाँ वो स्थिर रहे पानी, वहाँ से रिसाव के द्वारा वो पानी नीचे जाए। तो इस तरह से हम वर्षा जल संग्रहण करके कहीं ना कहीं पानी को फर्दर यूज़ के लिए रख सकते हैं। और मुझे जहाँ तक मालूम है तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये वाटर हार्वेस्टिंग एकदम कंपलसरी है हर घर के लिए। अब जब हम जल की बात करते हैं तो हम इस 22 मार्च को कैसे भूल सकते हैं जो कि वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हाँ, ज़रूरत है कि इन मुद्दों पर केवल 22 मार्च को बात न की जाए बल्कि इनके बारे में हमेशा जागरूक रहा जाए और पानी को बचाने की भरसक कोशिश की जाए, क्योंकि अगली पीढ़ी के लिए कुछ आप छोड़ें या न छोड़ें लेकिन उन्हें जीने के लिए शुद्ध हवा और शुद्ध पानी ज़रूर उपलब्ध होना चाहिए। नहीं तो बाकी और ज़मीन ज़्यादा छोड़ करके आप कुछ नहीं छोड़ रहे उनके लिए। धन्यवाद।